भारतीय डाक विभाग द्वारा राज्य में पहली बार वर्चुअल माध्यम से प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी 2 से 7 नवंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी की सबसे विशेष बात ये है कि इस प्रदर्शनी में प्रतिभागी ऑनलाइन भाग लेंगे, साथ ही स्कूली छात्रों के लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उनके लिए आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने में इच्छुक प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे। ये जानकारी डाकघर सोलन मंडल के अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने मीडिया को दी। अधीक्षक हेमशंकर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिसमें स्टाम्प डिजाइनिंग, प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें भूगोल, खेल और वर्तमान में चल रहे अहम मुद्दे, खेल और अन्य विषय शामिल होंगे। इसके अलावा निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। हेमशंकर शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन 2 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रशासन और छात्रों से कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। फर्स्ट राज्य स्तरीय वर्चुअल फ्लैटली एग्जीबिशन हिमपैक्स 2020 आयोजित की जा रही है। ये 2 नवंबर से 7 नवंबर तक आयोजित की जा रही है। आप जैसा कि जानते हैं, महामारी का काल है, इसलिए किसी तरह का आयोजन फिजिकली करना तो कठिन है, तो इस एग्जीबिशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें फ्लैटलिस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी फ्रेम्स लगा के, उनको 1 से 5 फ्रेम लगाने तक की अनुमति दी जाएगी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो वेबसाइट है वो है hympex.org। मैं रिपीट कर देता हूँ, hympex.org। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 30 अक्टूबर तक किया जा सकता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। पात्रता का जहाँ तक संबंध है वो 10+2 के अंदर अंदर होना चाहिए, 18 साल से कम की उसकी उम्र होनी चाहिए। और ये बच्चों वाला जो कॉन्टेस्ट है इसमें एंट्री फ्री है। बच्चों को हमारे वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वो सिस्टम अपने आप ही उनको बता देता है कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको नोटिफिकेशंस वगैरह हर कंटेस्ट के बारे में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेस्ट है वो स्टैम्प डिजाइनिंग कंपटीशन का है। ये 3/11/2020 को है। इसकी थीम जो है वो स्पॉट पे ऑनलाइन ही बता दी जाएगी। फिर जो दूसरा कंटेस्ट है वो हमारा क्विज है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और ये टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड होंगे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी और फिलेटली भी। इस प्रदर्शनी का जो इनॉग्रेशन है वो 2 नवंबर को 10 बजे सुबह होगा और सारे कंटेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो 7 नवंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे।